तो इसका मतलब ये है कि एसयू टू एसएडए के नेचर है ना, उसकी वजह से एसिडोसिस है। अब ये रिस्पायरेटरी कंपनसेशन क्या होगा, पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा, सीओ टू को ब्लो आउट करेगा, इसी तरीके से ये मसला हल होगा। या तो ये है कि ये रिटेन करेगा, तो अगर आपके पास मेटाबॉलिक मसला है तो आपका रिस्पायरेटरी कंपनसेशन जो है वो हेल्प करेगा, और अगर मसला रिस्पायरेटरी है तो जो रीनल मैकेनिज्म है किडनी क्या करेगा, मेटाबॉलिक कंपनसेशन के थ्रू इस चीज़ को कवर करेगा। एसिडोसिस ये हम कर चुके हैं कि एसिडोसिस में बेसिकली अब एसिडोसिस में जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डिप्रेस होता है, क्योंकि जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिप्रेस हो जाता है। जब ये चीज़ होती है तो जनरलाइज वीकनेस होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं ग्रेटेस्ट थ्रेट पे वो आ जाते हैं, यानी सारी चीज़ें डीरेंज हो जाती है। सीवियर एसिडोसिस, अगर देखिए अल्कलोसिस भी ठीक नहीं है और एसिडोसिस भी ठीक नहीं है, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, ट्रीट करना है। अगर सीवियर एसिडोसिस होगी तो इससे क्या होगा, डिसओरिएंटेशन काज होगी, पेशेंट को न टाइम का पता होगा, न पर्सन का पता होगा, न प्लेस का पता होगा कि कहाँ पर है। इवन के पेशेंट जो है कोमा कंडीशन में चला जाएगा और आखिर में क्या होगी, डेथ होगी, ठीक है। अल्कलोसिस में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्साइटेबल हो जाता है, तो नमनेस काज होंगे, सर में चक्कर आना, इस तरह की चीज़ें होगी, घबराहट का शिकार होंगे, मसल में खिंचावट वगैरह कप कपी की कंडीशन पैदा होगी, कन्वल्जन होंगे, दौरे पड़ जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, इसके अलावा डेथ भी हो सकती है। ये चीज़ें हम कर चुके हैं। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस पहले तो ये कि उसमें पीएच कम होगा, और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है तो PCO2 अपवर्ड होगा और पीएच जो है डाउनवर्ड होगा, तो यहाँ पर कार्बनिक एसिड एक्सेस होता है। कार्बनिक एसिड एक्सेस का मतलब ये है कि काज बाय द ब्लड लेवल ऑफ CO2, CO2 का लेवल 45 mm ऑफ मरकरी से अबव होता है, क्योंकि नॉर्मल लेवल 35 से 45 तक होता है, तो ये 45 से अबव जाता है, यानी इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं हाइपरकैपनिया। हाइपरकैपनिया का मतलब होता है हाइपर मीन हाई लेवल ऑफ, कैपनिया मीन CO2, यानी ब्लड में CO2 का लेवल के हाई होने को हाइपरकैपनिया कहते हैं। और ये क्रॉनिक कंडीशन, इसमें उसमें कौन कौन सी है क्रॉनिक कंडीशन अगर आप देख लें जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ब्रेन में जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो डिप्रेस हो जाता है, और आपका जो ब्रीथिंग रेट है, क्योंकि रिस्पायरेटरी सेंटर आपके ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी इन्वॉल्व है, हेड ट्रॉमा हो जाए, तो ये सारे क्या है काजेज है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के। इसके अलावा अगर रिस्पायरेटरी मसल्स या चेस्ट मसल उसकी पैरालिसिस होती है तब भी क्या होगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस काज होगी। एम्पिसिमा, इस कंडीशन में भी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में पेशेंट होता है। अक्यूट कंडीशन जैसे आपके पास एडल्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, पल्मोनरी एडिमा का पेशेंट, निमोथोरिक्स, तो ये अक्यूट कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट रिस्पायरेटरी कंडीशन में चला जाता है। कंपनसेशन इसकी किस तरीके से होती है, रिस्पायरेटरी वाला मसला आपका कौन हल करेगा, किडनी करेगा। अब किडनी क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन जो है ये उसको एलिमिनेट करेगा, यानी एसिडिक यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलेगा और जो बाइकार्बोनेट आयन है वो रिटेन हो जाएगा। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के जो अलामत है बेसिकली वो हम ये देखते हैं, ब्रेथलेसनेस, रेस्टलेसनेस, पेशेंट बहुत ही बेकरार होता है, सुस्ती, कायली, इस तरह की चीज़ें होती है, डिसओरिएंटेशन होता है, कप कपी, कन्वल्जन, कोमा, ये इसके अलामत है। रिस्पायरेटरी रेट का इंक्रीज़ होना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डिप्रेस हो जाता है, और स्किन जो है ये अगर आप उसको टच करेंगे तो ये वार्म होगा, फ्लश होगा ड्यू टू, क्योंकि वेजोडायलेशन होती है, और वो कब होती है जब CO2 एक्सेस में आ जाता है, तो इसकी वजह से वेसोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से स्किन आपको वार्म लगेगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या करना है, वेंटिलेशन को आप रिस्टोर करें, IV जो लैक्टेट है या रिंगर लैक्टेट है उस सॉल्यूशन को आप अटैच करें। इसके अलावा पेशेंट को जो बेसिक कोई भी डिसऑर्डर है, कोई भी मसला है, पहले आप उस मसले को हल करें, तो ये मसला रिस्पायरेटरी एसिडोसिस वाला हल हो जाएगा।
अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड की डिफिसिट्स होती है, PCO2 का लेवल 45 से कम होता है। जब PCO2 का लेवल 45 mmHg से कम होता है उसको हम कहते हैं हाइपोकैपनिया, ठीक है, और अगर 45 से अबव हो तो उसको हम हाइपरकैपनिया कहेंगे। ये मोस्ट कॉमन एसिड एम्बैलेंस है। अगर MCQs में कहीं पे आता है विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन एसिड बेस एम्बैलेंस, तो आप किस पे टिक करेंगे, ये चारों आपको देंगे, आप जाएंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस पे टिक करेंगे, ठीक है। और ये MCQs बहुत दफ़ा आए हुए हैं। प्राइमरी काज क्या है इसका, हाइपर वेंटिलेशन है। हाइपर वेंटिलेशन ये है कि पेशेंट को आप इतना हाइपर वेंटिलेट करते हैं कि इसका पूरा CO2 जो है वो वाश आउट हो जाता है, तो उसका लेवल 35 से कम आ जाता है और पेशेंट रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में चला जाएगा। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस के काजेज़ क्या हैं, जो लोग ज़्यादा बुलंदी पे रहते हैं जैसे नॉर्थन एरियाज़ के लोग देखें, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कामन होगा। इसके अलावा पल्मोनरी डिजीज़ अगर किसी को है या कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है, क्योंकि इससे क्या होता है हाइपोक्सिया, ये सारी कंडीशन हाइपोक्सिया की वजह से होती है। अब हाइपोक्सिया अगर होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस काज होगा। इसके अलावा अक्यूट एंजाइटी, इसके अलावा फीवर, एनीमिया, अर्ली सिलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, अगर कोई एस्प्रिन वगैरह डिस्प्रिन ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, ठीक है, तो उसकी ये भी लेट कर जाता है रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में। इसके अलावा लिवर सिरोसिस वगैरह, तो ये भी रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस की तरफ लेट कर जाएगा। ग्राम नेगेटिव सेप्सिस है, अगर पेशेंट आपका बैक्टीरियल कंटेमिनेशन में हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सेप्सिस में हो, तो ये भी लेट कर जाएगा रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में। रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस को किस तरीके से कंपनसेट करना है, अब यहाँ पर किडनी क्या करेगा, जो बायकात था वो तो निकल जाएगा, यहाँ पर किडनी हाइड्रोजन आयन को कंज